So good morning. Today we are going to start the chapter 2 of class 8th history. और इस chapter का title है From Trade to Territory. तो chapter के title से क्या हमें समझ में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो trade करने आए थे और फिर Indian territory पे और यहाँ पे territory capture की उन्होंने. So अब देखते हैं इसमें क्या क्या topic है. फर्स्टली इंट्रो थोड़ा सा दिया हुआ है मुगल रूलर के बारे में. आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा सेवेंथ क्लास में. सो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर थे औरंगजेब. लास्ट मुगल रूलर नहीं थे ये, पावरफुल थे ये. लास्ट पावरफुल औरंगजेब. तो क्या हो गया कि औरंगजेब जो है जब वो 1707 में मरे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये 1707, ठीक है. तो जब वो 1707 में मरे तो एक सेंट्रल पावर के ख़त्म होने के कारण क्या होता है, जैसे ये इंडियन टेरिटरी है, ठीक है. अब यहाँ से सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी था कोई, कौन था, लास्ट पावरफुल था औरंगजेब. तो अब जब ये मर गए तो जो बाकी प्रोविंसेस में जो इनके रूलर थे उन्होंने अपना अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है. उन्होंने असर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि अब उनका सेंट्रल बॉस तो रहा नहीं. अब जब बॉस नहीं है तो जो छोटे रूलर थे वो बोले अब ये तो औरंगजेब तो मर गया है, इसके बाद के जो रूलर थे वो ज़्यादा पावरफुल थे नहीं, ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी थी नहीं उसमें. तो जो छोटे रूलर थे उन्होंने बोला क्यों ना अब हम अपना ही वर्चस्व यहाँ पर स्थापित कर लें. तो वो लोग अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिए. तो इस तरह का स्टोरी इंडिया में चल रहा था कब, 1707 के बाद, ठीक है. तो अब देखो, मैनी मुगल गवर्नर्स जिसको सूबादार्स बोल रहे थे एंड बिग जमींदार्स बिगैन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम, ठीक है. अब रीजनल किंगडम में जैसे बंगाल नवाब्स ने अपने एरिया पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया था. सो एज पावरफुल रीजनल किंगडम इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज इफेक्टिव सेंटर, ठीक है. तो ये अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि दिल्ली के पावरफुल रूलर जो कि थे औरंगजेब, उनके मरने के बाद जो लोकल रूलर थे इंडिया में उन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया. और इससे क्या हुआ कि दिल्ली जो है वो एक इफेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं उभर पाया उसके बाद. सो नाउ बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, अब ये देखो 18th सेंचुरी वगैरह है ना, तो जब 18th होता है तो 1700s की बात चल रही होती है. सो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी हाउएवर अ न्यू पावर इमर्ज इन द पॉलिटिकल होराइजन और वो थे ब्रिटिश 1750s के बाद. 1757 इज द इम्पॉर्टेंट ईयर. तो देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था. तो इस टाइम पे एक नया पावर इमर्ज होना शुरू हो गया, वो थे ब्रिटिश. अब देखो इंडिया है, इंडिया में इंडियन रूलर्स हैं, ठीक है. तो जब इंडियन रूलर्स हैं तो ये ब्रिटिश कैसे आ गए यहाँ पे. तो शॉर्ट स्टोरी अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन यहाँ पे है, ठीक है. एक अब यहाँ से यहाँ पे एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अपने यहाँ पे अभी कंपनी है जो सामान बेचती है वैसी एक कंपनी थी. तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से, ब्रिटेन के, ब्रिटेन की रानी से एक चार्टर लिया और उसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की इजाज़त थी और ये भी लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी ब्रिटेन की इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक इकलौती कंपनी हो गई जो ब्रिटेन की थी और इंडिया में आके ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, ठीक है. अब ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, अब ट्रेडिंग करने की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको, जिसकी डिमांड है इंग्लैंड में, ठीक है. वो चीज़ क्या है, स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क, इसकी डिमांड थी ब्रिटेन में ज़्यादा. तो उस समय की कंपनी जो थी ना वो कुछ बनाती वगैरह नहीं थी, वो क्या करती थी, इंडिया में आती थी, इंडिया में मर्चेंट्स से बात करती थी कि हाँ तुम लोग अपनी कंट्री में जो जो सामान है, ऐसा सिल्क है तो सिल्क ले आओ, कॉटन कॉटन ले आओ, या स्पाइसेस है तो वो ले आओ. तो ये लोग क्या करते थे कि
एक यहाँ पे गोडाउन बना के रखते थे, वहाँ पे सामान आता था मर्चेंट्स के द्वारा, यहाँ से शिप पे ब्रिटेन जाता था और वहाँ बेचते थे। तो यहाँ सस्ते में खरीदते थे, वहाँ बेचते थे। तो ये चीज़ होती थी उस समय में। तो अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक ट्रेडिंग कंपनी है ब्रिटेन की, वो आती थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो शॉर्ट समरी बता रहा हूँ कि कैसे औरंगजेब के मरने के बाद जो लोकल रूलर थे वो जब असर्टिव हो गए, तो इस बीच में ब्रिटेन कहाँ से आ गया। तो ब्रिटेन ऐसे आया कि उस टाइम पे ब्रिटेन को एक चार्टर मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला कि जाओ तुम ट्रेड करो इंडिया से। तो अब हुआ यह, हुआ ये कि ये लोग आए यहाँ से, इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन अब जब ट्रेड ये लोग करते थे ना, तो जब ट्रेड करोगे तो वहाँ के लोकल रूलर के साथ तुम्हारा इंट्रैक्शन होगा। लोकल रूलर्स जो थे बंगाल के, उन्होंने बोला भैया तुमको थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा इस पे। तो अब टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट इनका प्रोडक्ट का ज़्यादा हो रहा था। और फिर कुछ रूलर बदतमीजी कर रहे थे, कुछ राजा जो लोकल थे वो इन पे कुछ ज़्यादा एक्सेसिव टैक्स और हार्श हो रहे थे। तो उनका क्लैश हुआ, और क्लैश हुआ तो फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपनी फौज भी तैयार करके रखी हुई थी। एक समय पर बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ब्रिटेन की आर्मी से ज़्यादा बड़ी फौज थी। तो अब ये कंपनी है, अब कंपनी के पास फौज भी है, और कंपनी को कोई अगर तंग करेगा तो कंपनी की फौज तो उससे लड़ेगी ना। तो हुआ ये कि बंगाल के जो नवाब थे उनको कंपनी का दबदबा बंगाल पे अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई ये आ रहे हैं यहाँ पे बिना कुछ टैक्स लिए दिए, ये लोग ट्रेड किए जा रहे हैं। तो लड़ाई होती है, बंगाल के नवाब हारते हैं, और फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल करने लगती है, और ब्रिटेन आ जाता है पावर में इंडिया में। तो अब देख लीजिए तुम लोग कि ये जो डिसेंट्रलाइज पावर थे, ये जो है ये लड़ने लगे जो कि ट्रेडिंग कंपनी थी उससे, क्योंकि यहाँ पे इनको इसको चाहिए था सस्ता सामान मिल जाए, लेकिन इसको था कि तुम सामान ले जा रहे हो तो थोड़ा टैक्स दे के जाओ। तो ये चीज़ थी, तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इन लोगों के बीच में, और इसी कन्फ्लिक्ट में लड़ाई हुई और इनको पावर जो है वो इनका लॉस हुआ, और ब्रिटेन जो है वो कैप्चर किया पावर को। शॉर्ट स्टोरी है, अभी डिटेल में इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। तो अब देखो हुआ ये कि बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी न्यू पावर इमर्ज्ड, और डिड यू नो द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। अब देखो जो स्टोरी बताया अब उसको रिलेट करते चलो। जो ब्रिटेन है वो ओरिजिनली एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तरह आया, और उस अब कोई ट्रेड करने आएगा तो कोई वहाँ पे ज़मीन क्यों कैप्चर करेगा। भाई मैं आ रहा हूँ दूसरी कंट्री में, जा रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, तो मैं वहाँ से सामान लूँगा, अपने मेन पेरेंट कंट्री में सामान को बेचूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा। तो हमको क्यों ज़रूरत पड़ गई कि मैं वहाँ पे एक्वायर करूँ अपनी टेरिटरी को, वहाँ पे अपना लैंड को अपने अंदर रखूँ क्यों। सो हाउ डिड दे बिकम द मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर। तो यही सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ये एक चीज़ है, एक पिक्चर है, इसमें है बहादुर शाह जफर। अब देखो मुगल के लास्ट रूलर आफ्टर बहादुर शाह जफर, एंड ये पिक्चर का नाम देखो क्या है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। इसको याद रखिए, कैप्टन हडसन को। सो आफ्टर औरंगजेब देर वॉज नो पावरफुल रूलर, पावरफुल रूलर नहीं थे लेकिन रूलर तो आए बहुत सारे। तो बट मुगल एम्परर कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इंपॉर्टेंट, इन फैक्ट वन अ मैसिव रिवेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग सुने होंगे कभी। तो क्या हुआ था उस समय में, बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल एम्परर थे, और लेकिन ज़्यादा पावरफुल थे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 1707 के बाद सेंटर दिल्ली एज ए सेंटर इमर्ज नहीं हो पाया। तो जो बहादुर शाह जफर था वो सिम्बॉलिक रूलर था, और जो रिवोल्ट हुआ 1857 के बाद, तो उसमें तो मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को नेचुरल लीडर की तरह देखा गया कि चलो ठीक है, हाँ ब्रिटेन नहीं है तो कौन है, मुगल है, क्योंकि ब्रिटेन से पहले मुगल थे। अब ब्रिटेन नहीं पसंद आ रहा है तो कौन पसंद आएगा, मुगल आएगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं था कुछ उस समय। सो वंस द रिवोल्ट वॉज पुट डाउन बाय कंपनी, अब क्या हुआ 1857 में कुछ आर्मी ने रिवोल्ट किया, तो कंपनी ने उसको दबा दिया, और उसके बाद से बहादुर शाह जफर जो था उसको किंगडम को छोड़ने के लिए जाना पड़ा, और उसके बच्चों को मार दिया गया। तो अब देखो ये जो पेंटिंग है ये वो दिखा रही है कि कैसे ये जो है कमज़ोर दिख रहा है, और ब्रिटेन जो है, ब्रिटिशर्स जो है वो स्ट्रांग दिख रहे हैं, और ये उस टाइम का
परसेप्शन को प्रॉपरली दर्शा रहा है। बहादुर शाह जफर देखो कितना बूढ़ा कमज़ोर लग रहा है, और ये देखो कितना मजबूत स्ट्रांग। तो इस पिक्चर से पता लग रहा है कि नाउ दे आर गोइंग टू डोमिनेट, नॉट दे। सो नाउ लेट अस सी अगला जो टॉपिक है वो क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, इसका क्या मतलब है? यहाँ से कंपनी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, थोड़ा फनी टाइटल देने के लिए बोल दिया है। सो इन 1600, अब क्वीन एलिजाबेथ वन थी, उसने चार्टर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तुम जाओ ट्रेड करो, तुम्हारे अलावा और कोई ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। सो विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, अब गया ये नए लैंड ढूंढे, तो एंड विथ विच कुड बाय द गुड्स एट चीप प्राइस एंड कैरी देम बैक टू द यूरोप एंड सेल एट हायर प्राइस। अब देखो एक मर्केंटाइल किसको बोलते हैं, ए बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरी थ्रू ट्रेडिंग एंड बाइंग चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। तो इस चीज़ को बोलते हैं मर्केंटाइल, ए बिजनेस एंटरप्राइज जो कि सस्ता खरीद के महंगे में बेचने का काम करता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, क्योंकि ब्रिटेन वाले तो उसको बोले कि ठीक है कोई नहीं जाएगा, लेकिन पूरे यूरोप में जो कंपनीज थी वो तो जाएंगी, और उनसे इनकी लड़ाई होती थी शुरू में जब ये लोग इंडिया पे अपना पावर कैप्चर नहीं किया था, उससे पहले इनकी लड़ाई होती थी बाकी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज से। तो अब देखो आगे कहानी, द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डे मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन सो दे कुड बाय चीप एंड सेल एट हायर प्राइस। सो द रॉयल चार्टर, लेकिन जो रॉयल चार्टर था जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था, वो बाकी यूरोपियन पावर को ईस्टर्न मार्केट में एंटर करने से नहीं रोकेगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटेन का तो ब्रिटेन पे चलेगा ना चार्टर। सो नाउ बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, ये देख लो ये है केप ऑफ गुड होप, ये हो गया वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और फिर ये इंडियन ओशन आ गया यहाँ पे। तो द पोर्टुगीज है, अब जब तक ये आए उससे पहले पोर्टुगीज जो थे वो ऑलरेडी आ चुके थे 1498 में, ठीक है, वास्को डिगामा आए थे और उनका बेस बन गया था गोवा में। और बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच टू और डच भी आ गए थे एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी एंड सून द फ्रेंच ट्रेडर अराइव, और फ्रेंच भी आ गए। तो अब हुआ ये कि द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनी वर इंटरेस्टेड, अब सारी कंपनियों को एक ही चीज चाहिए, क्या, जिसका वहां पे डिमांड है, स्पाइसेस एंड कॉटन, ठीक है, कॉटन एंड सिल्क, द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया वॉज अ बिग मार्केट इन यूरोप, और फिर पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड, तो सबको ये चाहिए। तो अब सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रांस की और ब्रिटेन की, अगर इन सबको यही सामान चाहिए तो इस सामान का रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब सामान का रेट बढ़ जाएगा तो फिर इन लोगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए इस समय में प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़त्म करने की कोशिश करती थी कि नहीं भाई हम ही रहेंगे तो हम ही खरीदेंगे यहाँ से, तो फिर अच्छे से हम लोग बारगेन कर सकते हैं और सस्ते दामों में परचेज करके महंगे दामों में सेल कर सकते हैं। मेन मोटिव इन लोगों का, जो आपस में ये लोग लड़ाई करेंगे बाद में। तो देखो अभी तक पढ़े ये लोग, पढ़े हम लोग कि चार्टर मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया आई, लेकिन वहाँ पे और भी लोग आ चुके थे, ठीक है। और अब ओनली वे ऑफ ट्रेडिंग कंपनी कुड फ्लरिश इज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर, कंपटीटर को मारो, ठीक है, क्योंकि अब आज के टाइम में कंपटीटर को मारने वाला सीन नहीं है इंडिया में। आज के टाइम में जब ये फ्यूचर टाइम्स में, मॉडर्न टाइम में अब क्या हो रहा है, मारपीट से तो होगा नहीं कुछ, सबको अपना प्रोडक्ट इन्हेंस करना है, इनोवेशन लाना है, लेकिन उस समय में क्या था, उस समय में यही मारपीट चलता था। सो टू अर्ज टू सिक्योर द मार्केट देयर फॉर लीड टू फियर्स बैटल बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। अब देखो थ्रू द 17th सेंचुरी थ्रू द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप, अब कुछ नाव किसी का डुबा रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तो या फिर सप्लाईज ऑफ गुड्स को ठीक से होने नहीं दे रहा है, तो ये सब चीज चल रहा था, ठीक है। मतलब दो तीन कंपनियां हैं अलग अलग कंट्री की, और वो लोग इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया से ट्रेड
उनको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन चार कंपनी एक साथ एक ही कॉमोडिटी के लिए लड़ रही है। तो फिर ये आपस में ये कंपनियाँ लड़ेंगी और एक दूसरे को, और ये चाहेंगे कि बाकी सब मर जाए और वही कंपनी अकेली इंडिया से ट्रेड कर सके। ठीक है, तो लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है इस बैटल में। सो ट्रेड वॉज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रो। अब जब लड़ाई वगैरह हो रहा है तो फिर ट्रेडिंग पोस्ट बनाया और उसका फोर्टिफिकेशन किया, किला बना के रखा कि यहाँ पे सामान आएगा, यहाँ हमारा नाव आएगा, ऐसे जाएगा, तो इस तरह का बड़ा बना के रखते थे ये लोग फोर्ट्स। सो दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई द सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर। अब देखो, कोई कंपनी आएगी इंडिया में, आएगी, किला बनाएगी, आपस में लड़ेगी, तो आपस में लड़ेगी तो जो राजा है उसको भी तो दिख रहा है ना कि अरे ये तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, ये ज़्यादा अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इन लोगों के भी बीच कन्फ्लिक्ट होगा, जो लोकल रूलर थे और जो कंपनीज थी। सो दिस कंपनी लेड देयर फॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब तो ये हुआ कि भाई ट्रेड तो कर ही रहे थे, लेकिन अब जब लड़ाई झगड़ा भी चालू हो गया तो पॉलिटिक्स भी आ गया साथ में, तो ट्रेड और पॉलिटिक्स के बीच में डिस्टिंग्विश कम हो रहा था इन कंपनियों का। ये लोग का ट्रेड और पॉलिटिक्स आर गोइंग हैंड इन हैंड। सो नाउ अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड बिगेन करती है बंगाल में। बंगाल में क्या हुआ, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। ठीक है, फैक्ट है, याद रहना चाहिए। सो दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर को उस समय फैक्टर्स बोला करते थे। तो इससे यहाँ पे कंपनी के ट्रेडर जो थे वो काम करते थे, ऑपरेट करते थे। सो द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स वर एक्सपोर्टेड। अब वेयर हाउस देखो, गोडाउन टाइप सा है, ठीक है, बड़ा सा स्टोरेज स्पेस, और यहीं पे कंपनी का ऑफिस वगैरह रहता था। और कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर फैक्ट्री। अब ये जो अब मर्चेंट एंड ट्रेडर क्या है, देखो कंपनी जो है, कंपनी को चाहिए सामान। अब कंपनी के लोग हैं ब्रिटिशर्स, वो खुद गली गली तो जाएंगे नहीं सामान खरीदने के लिए, तो कुछ जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे ये लोग बात करते थे कि भाई तुम हमको रॉ मटेरियल और जो कुछ सामान है वो दे दो ताकि हम यहाँ से ले जाएंगे। तो ये जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हो गए, ये जो कि लोकल सप्लाईज का ख्याल रखते थे, ठीक है, और कंपनी के लोग हो गए जो ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं। सो एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और 1969 में क्या हुआ, इट बिगैन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब किला बनाने लगे, फोर्टिफाई करने लगे, तो 2 ईयर लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इन टू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस। अब थोड़ा बहुत ब्राइब करके, अब देखो ब्राइब कल्चर कैसे शुरू हो रहा है इंडिया में। सो मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करके कंपनी ने जमींदारी राइट मांग ली 3 गांवों का। जमींदारी राइट मतलब वहां का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। और उसमें से एक विलेज था कालीकाता, जिसको आज अब बड़ा शहर बन गया कोलकाता। सो इट इज नोन टुडे एज कोलकाता। सो इट परसुएडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू, उसी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि फरमान इशू करो कि कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स, ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल जाए। ठीक है, फरमान जो होता है वो रॉयल ऑर्डर होता है। तो अब कंपनी को ट्रेड करने के लिए ड्यूटी फ्री राइट्स मिल गया कि भाई चलो, ड्यूटी का क्या, टैक्स मतलब कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तुम सामान यहाँ से लेके जाओ, बेचो, प्रॉफिट कमाओ, अपना रख लो। ठीक है, तो ड्यूटी फ्री राइट्स मिल गया। लेकिन अब जब कंपनी को ड्यूटी फ्री राइट्स मिला ना, तो उसके जो इम्प्लॉयज़ थे वो भी अपना कुछ पर्सनल बिजनेस भी करते थे। अब जैसे कंपनी जो है वो 100 बक्सा लेके जा रही है यहाँ से वहाँ बेचने के लिए, तो जो उसके लोकल ऑफिशियल थे कंपनी के, वो भी अपने साथ 2-3 बक्से लेके जाते थे और खुद बेच के पर्सनल प्रॉफिट करते थे। तो जो फरमान था वो सिर्फ कंपनी को मिला था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करे, लेकिन जो ऑफिशियल्स उसके थे, जो पर्सनल ट्रेड में इन्वॉल्व थे, उनको टैक्स देना पड़ता। लेकिन हो क्या रहा था कि वो लोग भी टैक्स नहीं दे रहे थे, तो इससे थोड़ा सा लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट का माहौल जो है वो बंगाल में पैदा हुआ। तो देखो, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन, कि भाई हमें और ये छूट दे दो, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे दो। और लेकिन कंपनी को ड्यूटी फ्री राइट्स मिला था सिर्फ कंपनी को, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, लेकिन वो लोग भी नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब ये सब देखने के बाद कैसे वहाँ का नवाब जो है वो रिवोल्ट या प्रोटेस्ट नहीं करेगा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, दो मेरे को पैसा, टैक्स दो प्राइवेट ट्रेड का। तो अब तुम जब टैक्स मांगोगे किसी कंपनी से उस समय में,
तो फिर अब ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ये देखो, हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। ये वहाँ का फोर्टिफिकेशन दिखा रहा है, ऐसे नाव आ रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे, सामान बक्सा लोडिंग होके जाएगा। तो नाउ द लोकल बोट्स ब्रिंग गुड्स फ्रॉम शिप्स इन मद्रास एंड प्रिंटेड बाय विलियम सिम्पसन। चलो ठीक है, अब देखते हैं हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब जब ट्रेड हो रहा था, अब ट्रेड लेड टू बैटल, तो तुम लोगों को थोड़ा सा स्टार्टिंग तो पता चल गया कि भाई टैक्सेस जो है वो देना था, कंपनी को माफ़ किया था लेकिन प्राइवेट ट्रेड के लिए टैक्स देना था लेकिन नहीं दिया, तो थोड़ा गुस्सा आ गया कंपनी वाले को और राजा को। सो नाउ देखो, दो द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसीफाइड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। द बंगाल नवाब एसर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर वर डूइंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो अब जैसे बंगाल का एक सिचुएशन है, बंगाल के नवाब जो हैं औरंगजेब के मरने के बाद पावर असर्ट किए, सबसे पहले वहाँ पे मुर्शीद कुली खान, फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। अब ये तीन नाम याद रखो, मुर्शीद कुली, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद क्या हुआ, ईच ऑफ देम वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये लोग जब असर्ट किए अपने आप को दे रिफ्यूज, और इन्होंने कंपनी को कंसेशंस छूट देने से मना कर दिया डिमांड, और इनसे क्या बोला कंपनी को कि भाई हमें तुम थोड़ा ट्रिब्यूट दो कि तुम यहाँ से ट्रेड करते हो, इसके लिए पैसा दो। सो दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम कंपनी राइट टू ट्रेड एंड डिनाई इट, और कंपनी को सिक्का बनाने का भी अनुमति नहीं मिला, नहीं दिया इन्होंने, और जो फोर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे थे उसको भी मना कर दिया कि भाई अब ज़्यादा दीवार ऊंचा ऊंचा मत खड़ा करो। सो एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट दे क्लेम दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग बंगाल गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अब देखो, टैक्स जब मिल नहीं रहा है तो कंपनी को बोला कि तुम धोखा कर रहे हो और बंगाल को जितना पैसा मिलना चाहिए रेवेन्यू ये टैक्सेस से उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट नवाब एंड हिज ऑफिशियल। ठीक है, ये सब हो रहा था नवाब को ह्यूमिलिएट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए। सो द कंपनी ऑन इट पार्ट डिक्लेयर दैट कि भाई ये लोकल रूलर जो है हम लोगों को तंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमसे पैसा वैसा मांग रहे हैं कि भाई तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तुमको ये हमें ट्रेड कर रहे हो तो तुम हमको ट्रिब्यूट दो राजा को, तो ये सब तो ऐसा चीज़ चल रहा था। सो अब जो ट्रेड कर रहे हैं ये लोग, तो ट्रेड तो तभी फ्लरिश होगा ना जब यहाँ पे टैक्स वगैरह कम लगेगा, परचेज ऑफ गुड्स जो है वो सस्ता होगा। अब जब तुम यहाँ पे टैक्स दे दोगे तो परचेज का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं बेच पाओगे उसको। सो कंपनी वाले भी गुस्से में, राजा को पैसा नहीं मिल रहा है, राजा गुस्से में। सो इट वॉज कन्विक्टेड, इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपेंड द ट्रेड इट हैज़ टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय बाइंग अप विलेज एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। अब जब कंपनी का ट्रेड बढ़ रहा है तो उसको बड़े बड़ा फोर्टिफिकेशन भी खड़ा करना पड़ेगा, फोर्टिफाई करना पड़ेगा अपने गोडाउन को। सो फिर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा था और वो फाइनली कल्मिनेट हुआ एक बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में देखो क्या होता है, सिराजुद्दौला था लास्ट, अभी हम लोगों ने देखा तीन, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। अब देखो, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बने और कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर। कंपनी को चाहिए था कि कोई ऐसा रूलर बन जाए बंगाल में जो कि उनका कहना माने, तो पपेट रूलर जिसको बोल रहे हैं वो लोग तो, लेकिन जो सिराजुद्दौला था ये था नहीं ऐसा, और वो थोड़ी भी छूट नहीं देना चाहता था कंपनीज को। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प। अब इन्होंने क्या किया फिर कि सिराजुद्दौला को से कंसेशन लेने की इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इन लोगों को नहीं मिला, कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो देखो वही, ये इस पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है कि सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल टू बिकम नवाब। अब इन्होंने क्या किया थोड़ा कि भाई चल, सिराजुद्दौला की लड़ाई थी किसी से कि भाई तुम राजा बनो या मैं बनूँ, तो उसके कंपिटिटर को थोड़ा मदद किया कि चल तेरे को बनाते हैं राजा। तो अब जब राजा के राज्य में कोई फॉरेन कंपनी आके उसके दुश्मन को मदद करके बोलेगी कि चलो तुमको राजा बनाते हैं, तो जो मेन राजा है उसको तो गुस्सा आएगा। तो सिराजुद्दौला जो था उसने कंपनी को बोल दिया कि ऐसा है, हमारे इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला आस्क कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन। अब
और बोला कि इस फोर्टिफिकेशन को स्टॉप करो और पैसा लो, मेरे को रेवेन्यू ला। सो आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, नवाब जो है सिराजुद्दौला वो 30,000 सोल्जर के साथ इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार में कैप्चर किया कंपनी ऑफिशियल को, वेयर हाउस में लॉक कर दिया और हथियार वगैरह छीन लिया और शिप्स को ब्लॉकेड कर दिया, नहीं सामान को डिबोर्ड होने दिया। और देन ही मार्च टू कासिम बाजार से कैलकटा गया और कंट्रोल, देन ही मार्च टू कैलकटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर कंपनी फोर्ट देयर। अब देखो यहाँ पे एक ब्लैक होल ट्रेजडी हुई थी, उसको आप लोग सर्च करिएगा और हॉलवेल मॉन्यूमेंट के बारे में भी देखिएगा कि हॉलवेल मॉन्यूमेंट क्या है और ब्लैक होल ट्रेजडी क्या है। इस टाइम पे ही ब्लैक होल ट्रेजडी हुई थी जब कैप्चर कर लिया था प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब देखते हैं कि ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कैलकटा कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्स। अब देखो कंपनी के अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज हैं, एक थे कलकत्ता में दूसरा था मद्रास में। अब जब देखा कि यार कलकत्ता में तो राजा ने अटैक कर दिया और कंपनी को फैक्ट्री वैक्ट्री को ओवरटेक कर दिया, तो फिर मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव फौज लेके गए। सो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले रीइन्फोर्स्ड किया नेवल फ्लीट से, नेवी था उनके पास। फिर प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद नवाब फॉलोड। फाइनली 1757 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। प्लासी एक जगह है जिस जो कि नाम पड़ा पलाशी से, और पलाशी क्यों था क्योंकि वहाँ पे पलाश का पेड़ था जिससे कि गुलाल बनता था होली का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने आर्मी भेजी सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए प्लासी में, उससे पहले उसने नेवल रीइन्फोर्समेंट भेजा था, बातचीत नहीं बनी तो आर्मी गई, ठीक है। और क्यों गई, क्योंकि भाई रॉबर्ट सिराजुद्दौला जो है उसको वहाँ के कंपनी वाले जो थे इंटरनल पॉलिटिकल मैटर में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो उसने उसको रोकना चाहा और बोला कि भाई तुम पहले रेवेन्यू वगैरह पे करो, और जब ये नहीं हुआ तो सीधा वो कासिम बाजार और फिर कैलकटा। ये स्टोरी अभी तक हम लोग सुन रहे थे, सुना। देखो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ नवाब वाज द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर। अब देखो मीर जाफर यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, इसने क्या किया, ये कमांडर था सिराजुद्दौला का, इसने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं, और क्लाइव जो है क्लाइव को इसका सपोर्ट मिल गया था बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। अब देखो सिराजुद्दौला जो है राजा है, राजा हर जगह लड़ने जाएगा नहीं, राजा अपने कमांडर को भेजेगा। अब कमांडर गया, रॉबर्ट क्लाइव की फौज आई, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को जो कि कमांडर था सिराजुद्दौला का उसको अपने फेवर में कर लिया, तो लड़ाई कुछ हुई नहीं, और ये बोला कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो सिराजुद्दौला जो है वो हार जाएगा, और फिर सिराजुद्दौला के हारने के बाद मैं तुमको बना दूंगा वहाँ का राजा और तुम मेरे कहने पे काम करते रहना, लेकिन राजा तुम बन जाना। तो अब मीर जाफर को भी लालच आ गया कि भाई चलो हाँ कमांडर से मैं राजा बनने वाला हूँ, नवाब बनने वाला हूँ बंगाल का, ठीक है। तो ऐसा हुआ। अब देखो ये हिस्ट्री में बहुत बार ये बोला जाता है जब जो लोग गद्दारी करते कि भाई मीर जाफर हो क्या, तो अब यहाँ पे अब जैसे मीर जाफर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो उसके बेटे पोते और फिर आगे की जनरेशन, तो उन सब पे क्या हुआ, उन सब पे भी दाग लगना शुरू हो गया कि ये तो गद्दार और की फैमिली का आदमी है। तो देखो हिस्ट्री जो है हिस्ट्री में नैरेटिव्स इंपॉर्टेंट। अब देखो ये नैरेटिव तो बन गया यहाँ पे कि भाई मीर जाफर जो था वो तो गद्दार था। अब एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पहलू क्या है कि उस समय में 18th सेंचुरी में 1757 के अराउंड उस समय में राजा बनने के लिए दो भाई अगर कंपटीटर है तो एक भाई दूसरे को मरवा देता था, ठीक है, या फिर जो बंदा है वो अपने पिता को भाई को सबको मरवा के तब राजा बन जाता था। तो मीर जाफर के जो जो पोते और परपोते और जो आगे की जनरेशन है वो लोग अब अपने उस बदनाम नाम को हटाने के लिए वो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम 20th सेंचुरी एथिक्स से 18th सेंचुरी के पर्सन को जज नहीं कर सकते हो। अब मतलब उस समय में तो ये नॉर्म था ना, तो मीर जाफर जो है उसने कुछ बहुत धोखेबाजी वाला काम किया नहीं, उस समय में सब ऐसे ही करते थे, तो मीर जाफर ने भी कर दिया तो क्या गलत किया। तो हिस्ट्री देखो, अब हिस्ट्री में क्या है कि जिस तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से पढ़ाया जाएगा वैसा दिमाग में सेट होगा। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि मीर जाफर कैसा था।
लेकिन कॉमन नैरेटिव्स में यह है कि भाई मीर जाफर ने गद्दारी की। किसके साथ गद्दारी की? मीर जाफर क्या था? कमांडर था। किसका? सिराजुद्दौला की आर्मी का। और ये लोग लड़ने गए थे किससे? रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी से, जो मद्रास से आई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी मद्रास से क्यों आई? क्योंकि कैलकटा में अटैक हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी से। तो अब ये जो मद्रास से गए रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी, तो इसने क्या किया? डिप्लोमेटिकली मीर जाफर को, जो कि कमांडर था, उसको अपनी हक में ले लिया और उसको बोला कि भाई तेरे को बना देंगे हम राजा, तू मत लड़। और ऐसा हुआ। तो अब मारा तो नहीं, वो सिर्फ बातचीत करके हरवा दिया उसको। सो द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन। अब इस तरह से ये जीत गई कंपनी इसको। सो आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर, जो कि कमांडर था, उसको नवाब बना दिया गया। अब क्या था, कंपनी जो है इस समय भी अनविलिंग थी कंट्रोल लेने के लिए, इसीलिए तो उसने मीर जाफर को राजा बनाया, नहीं तो खुद नहीं बन जाते। तो अब क्या हो रहा है कि कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको अभी भी क्या था, हमको अपना ट्रेड बढ़ाना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वाली। सो इफ दिस कुड बी डन विदाउट द कॉन्क्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ लोकल रूलर, तो फिर ठीक है, लोकल रूल हमको बस मदद करते रहे, जो हम चाहते हैं वो करता रहे और हमको अपना फ्रीली ट्रेड करने दे, ऐसा। तो लेकिन सुन क्या हुआ कि अब देखो लोकल रूलर जो है वो राजा बन गया, लेकिन उसको अपने लोगों के बीच में भी तो अपनी इज्जत रखनी है ना। अगर वो सीधा हर चीज़ ब्रिटिश की मानने लगेगा तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो यही बोलेंगे कि ये तो कठपुतली है अंग्रेजों के हाथ की। तो अब इतना ह्यूमिलिएशन कौन सहेगा? नहीं सहता कोई वहाँ पे राजा। जब मीर जाफर एक बार राजा बन गया तो वो ब्रिटिशर्स की ज़्यादा सुननी बंद कर दी उसने। तो अब क्या हुआ, मीर जाफर जो था प्रोटेस्टेड, तो कंपनी जो है, कंपनी ने बनाया था उसको, कंपनी ने मीर कासिम को उसकी जगह पे ला दिया कि भाई जाफर तुम तो बात मान नहीं रहे हो, तुमको हमने रखा इसलिए था कि तुम हमारी बात मानो, तुम ऐसा करो तुम आ जाओ, मीर कासिम तुम जाओ। मीर कासिम भी राजा बन गया। मीर कासिम जब राजा बना, और मीर कासिम राजा बनने के बाद वो भी बोलता है ऐसा है ईस्ट इंडिया कंपनी, तुमको ये इतना ज्यादा छूट मैं नहीं दूंगा। तो अब मीर कासिम को जो भी बनाया था और वो भी जो है क्वेश्चन करने लगा कंपनी को। फिर एक बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें मीर कासिम हारा और फिर मीर जाफर को दोबारा से रीइंस्टॉल कर दिया। तो देखो, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के टाइम पे हुआ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में के बाद जो राजा बना वो था मीर जाफर। मीर जाफर जो है वो नवाब की सुनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सुनी नहीं, तो फिर उसको हटा के मीर कासिम को ले आए। और मीर कासिम भी जब कंप्लेन करने लगा तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम हारता है और मीर जाफर दोबारा रीइंस्टेट होता है। ठीक है, इतना टाइमलाइन समझ में आ रहा है सबको? और 1757 में प्लासी हुआ था, 1764 में बक्सर हुआ। अब मीर जाफर जो है वो दोबारा से बन गया नवाब, और अब ये बोला गया कि हर मंथ तुम 5 लाख रुपया दोगे, और कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड। तो अब देखो, उससे पहले क्या हो रहा था कि इंग्लैंड से सोना चांदी आता था, यहाँ से सामान खरीद के जाता था और इंग्लैंड में बिकता था। लेकिन अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई। दीवानी राइट्स का मतलब वहाँ का कलेक्शन का राइट्स, रेवेन्यू रिसोर्स। तो जब रेवेन्यू रिसोर्स मिल गया तो पैसा वहीं से आ रहा था, उस पैसे से वो लोग बंगाल में ही सामान खरीदते थे और सीधा बेचते थे ब्रिटेन। अब देखो, इन 1765, अब एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं कि इट वांटेड मोर टेरिटरी एंड मोर रेवेन्यू। अब कंपनी जो है उसको ज़्यादा टेरिटरी रेवेन्यू चाहिए। बाय दिस टाइम मीर जाफर जो है वो मर गया 1765 में, और मूड ऑफ कंपनी चेंज्ड, और हैविंग अब बोल रहा है कि भैया हमने जाफर को बनाया तो वो भी अकड़ दिखाने लगा, कासिम को बनाया तो भी अकड़ दिखाने लगा। अब जब मीर जाफर दोबारा बना बक्सर के बाद और एक साल के बाद वो मर गया, तो फिर अब कंपनी को लगा कि इन पपेट नवाब से कुछ नहीं होगा, अब हम लोगों को खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। सो फाइनली इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब देखो, यहाँ पे इनको बंगाल प्रोविंस का दीवान अपॉइंट कर दिया गया है। सो द दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल।
अब इससे वो जो सोना चांदी आता था सामान खरीदने के लिए वो उसकी जरूरत अब नहीं थी। सो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लो डाउन आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दिवानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, गोल्ड जो था ब्रिटेन से वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद कम और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एकदम स्टॉप हो गया। और फिर जो रेवेन्यू जो इंडिया में जो यहाँ पे बंगाल से ये लोग कलेक्ट करते थे वही वहाँ का परचेज को फाइनेंस करते थे। सो दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया एंड मेंटेन कंपनी ट्रूप्स और सारा खर्चा। अब कंपनी ऑफिशियल थे, ये देखो इनका एक है कंपनी ऑफिशियल जो थे, ये कंपनी का इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट, कंपनी का नहीं मतलब ये लोग इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे थे कि यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इम्प्लॉयज़ हैं वो लोग भी बहुत अमीर हो गए। और जब वो लोग वहाँ पे जाके सेटल होते थे अपने इंग्लैंड में कि भाई चलो यहाँ से काम हो गया कंपनी का, अब मतलब उस आदमी का, तो वो आदमी कंपनी से छोड़ के वो जब ब्रिटेन में सेटल होता था तो वहाँ पे लोकल लोग उसको नवाब्स बोलते थे, नवाब का अपभ्रंश। तो अब देखो इट मीन्स दैट, तो ये इस कंपनी के इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इट मेंट ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स कि ईच सर्वेंट हैज विजन कि भाई अब वो भी नवाब जैसा ही रहेगा। सो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एक्चुअल नवाब जो था उसको जबरदस्ती का लैंड और पैसा मांगा गया भी, भाई गिफ्ट भी लाओ हमको कंपनी वाले लोग, क्योंकि भाई जंग में जो जीतेगा उसके बाद तो जो जीता हुआ आदमी उस जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। सो रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जब इंडिया आया था तो 18 साल का, और जब 1767 में जब वो इंडिया से जा रहा था तो उसके पास 401-102 पाउंड स्टर्लिंग इतना वर्थ था। सो इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज आस्क्ड अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 उसको ये बोला गया था कि भाई तुम करप्शन हटा दो, लेकिन वो खुद ब्रिटेन की पार्लियामेंट में करप्शन के चार्ज पे क्रॉस एग्जामिन हो रहा था। ऑल्डो वहाँ पे फिर उसको एक्विट कर दिया गया था, लेकिन उसने 1774 में सुसाइड कर लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन सारे कंपनी के ऑफिशियल जो थे वो करप्ट नहीं थे, कुछ लोग जो थे वो ऑनेस्ट भी थे, और बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा नहीं था कि जो भी कंपनी के ऑफिशियल थे वो अमीर बन के गए, कुछ लोग यहाँ पे बीमारी के कारण मर भी गए थे। ठीक है, सो नाउ सी मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वॉज टू अर्न एनफ इन इंडिया एंड रिटर्न टू इंग्लैंड, और उन्हीं को नवाब्स बोला गया एंड एंग्लिसाइज वर्जन ऑफ नवाब, एंड देवर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर। सोशल क्लाइंबर का मतलब जो गरीब अमीर बन के ऊपर बढ़ता है उसको। सो इन ब्रिटिश सोसाइटी दे वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। सो नाउ अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग कंपनी रूल कैसे एक्सपेंड किया। तो अभी तक क्या था कि कंपनी रूल अब बंगाल में अपना वर्चस्व कायम कर लिया। अब अवध फिर कहाँ कहाँ पे जाएगा ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।